आज हम कक्षा 10वीं का साइंस विषय में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण उसका अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में सभी छात्राओं का स्वागत है। हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी क्रियाएं होती हैं, कुछ भौतिक होती हैं, कुछ रासायनिक होती हैं, जैसे कि सांस लेते हैं हम, भोजन का पाचन, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो एक बार हो जाए तो वापस पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे हो सकता है उसका रंग में परिवर्तन हो रहा हो, गैस में परिवर्तन हो रहा हो, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में भी आ सकते हैं। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में ये परिवर्तन होते रहते हैं। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसको हम संकेतों व सूत्रों के द्वारा समीकरण के रूप में लिखते हैं, शॉर्ट में उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। बहुत ही सरल उदाहरण है आपके सामने, Mg+O2 इज इक्वल टू MgO। ये जो मैग्नीशियम है, ये तत्व है, धातु तत्व है। कक्षा 9वीं में आपने बहुत सारे धातु और अधातु तत्वों के बारे में पढ़ा। हम चाहते हैं कि आप कक्षा 9th की किताब में से कुछ तत्वों के नाम और उनके संकेत लिख लीजिए, ताकि आपको आगे की इस क्लास में पढ़ने में आसानी रहेगी। देखिए, आप ये Mg+O2 इज इक्वल टू MgO, ये तीर का निशान है। इस तीर के निशान के बाईं ओर आप देखोगे तो ये है अभिकारक, और इसके जहां नोक है तीर की, वहां देखेंगे यह है उत्पाद, और ये S, G, S ये इनकी भौतिक अवस्थाएं हैं। जैसे ठोस अवस्था है, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, द्रव अवस्था लिक्विड, गैस अवस्था को गैसी बोलते हैं, और किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन एक्वस, उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे AQ। तो यहाँ पर इस समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को शो करना, भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना भी दर्शाया भी जाता है। जैसे मैग्नीशियम यहाँ ठोस अवस्था में है तो S ऑक्सीजन, G MgO सॉलिड। इस प्रकार हम समीकरण में अभिकारक, उत्पाद और उनकी भौतिक अवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को लिखने के बाद समीकरण के दोनों पक्ष, अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष, दोनों संतुलित होना चाहिए। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार ना तो किसी पदार्थ का विनाश होता है, ना किसी पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात दोनों पक्षों में, अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष, दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखिए आप, Mg+O2 ये एक पक्ष हो गया, और MgO, यहाँ Mg के एक परमाणु हैं। आप गिनेंगे कैसे, Mg है, Mg के आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा, इसका अर्थ है कि Mg का एक परमाणु। ऑक्सीजन के नीचे दो लिखे हुए हैं, इसका अर्थ है ऑक्सीजन के दो परमाणु। इस पक्ष में Mg का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो। यहाँ देखिए आप, इस पक्ष में Mg का एक ही परमाणु है और ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, अतः यहाँ समीकरण संतुलित नहीं है। ऐसे समीकरण को हम ढांचा समीकरण भी कह सकते हैं। इसके पश्चात हम इस समीकरण को, हम बहुत सरल समीकरण है, संतुलित करेंगे। ये अनुमान अनुमान से संतुलित कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन दो था, तो हम यहाँ इस पक्ष में भी ऑक्सीजन के दो परमाणु करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब मैग्नीशियम यहाँ दो परमाणु हो गए, अब यहाँ पर भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार ये
हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है और अधिकतर समीकरण हम इसी विधि से संतुलित करते हैं। अगला दूसरा समीकरण हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं, Fe, Fe लोहे का संकेत है, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर दोनों पक्ष में, अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में, Fe यहाँ पर एक है, एक परमाणु है, यहाँ तीन है, हाइड्रोजन के यहाँ दो परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, संतुलित है, ऑक्सीजन का यहाँ एक परमाणु है और यहाँ पर चार है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, साइड में एक रफ टेबल कह सकते हैं इसको। जिन जिन तत्वों ने भाग लिया है उनको हम यहाँ पर रखेंगे, जैसे लोहा Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अभिकारक पक्ष लिखेंगे यहाँ और उत्पाद पक्ष लिखेंगे। अब हम यहाँ से गिनना आरंभ करते हैं। इस पक्ष में Fe का एक परमाणु है तो हमने यहाँ अभिकारक में एक लिख दिया। इसी प्रकार उत्पाद पक्ष में Fe के तीन परमाणु हैं तो हमने यहाँ उत्पाद के नीचे तीन लिख दिया। इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ दो हैं, अभिकारक पक्ष में दो आ गया। इस प्रकार उत्पाद पक्ष में भी हाइड्रोजन दो है। अब चलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ एक है और इस पक्ष में ऑक्सीजन के चार हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो टेबल है यहाँ पर लोहा आयरन अभिकारक पक्ष में एक, उत्पाद पक्ष में तीन परमाणु, हाइड्रोजन अभिकारक में दो और ये दो संतुलित है, ऑक्सीजन एक और उत्पाद में चार। अब इसको हम संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण है जिसमें जो यौगिक और जो भी तत्व भाग ले रहे हैं हम इनके सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम इनको सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर इनको हम क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। देखिए जैसा आपको दिखाया जा रहा है ये, अब हमें जो भी परिवर्तन करना है हम सिर्फ बाहर करेंगे सामने लिखकर। अब हम संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे Fe यहाँ उत्पाद में तीन है तो अधिकतम संख्या से इस अभिकारक पक्ष में इसका गुणा करेंगे तो ये तीन दोनों पक्ष में तीन आ गया। इसी प्रकार हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ उत्पाद पक्ष में चार है तो अभिकारक पक्ष में भी हम चार का गुणा करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर देखिए सभी अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या इक्वल हो गई है। अब हम इनको इन सूत्रों के सामने यहाँ पर लिख देंगे। देखिए आप 3Fe प्लस 4H2 इज इक्वल टू Fe3O4 4H2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गया है तो हम यहाँ पर भी इसका ये चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो गया। आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। अब ये कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम आगे चलते हैं, दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनके बहुत से प्रकार हैं, जैसे कि संयोजन क्रिया। संयोजन जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जुड़ना, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर कोई भी नया पदार्थ बनाएंगे वो है संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन, कोयले का संकेत है कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। आप यहाँ देख रहे हैं कि दो अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ दो हैं, दो के बीच में हम एक धन का चिन्ह लगा देते हैं, यदि तीन होते तो हम एक प्लस करके और भी जोड़ सकते थे, इज इक्वल टू CO2। यहाँ पर एकल उत्पाद बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है तो इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये भी हमारे दैनिक जीवन में क्रिया होती है। फिर है जल निर्माण, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगली क्रिया है वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन क्रिया के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एक बनाते हैं, यहाँ एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है। देखिए ये जो वियोजन अभिक्रिया, जैसे एक ए पदार्थ है, ये बाद में रासायनिक अभिक्रिया के बाद बी और सी दो भागों में विभक्त हो गया है। वियोजन क्रिया कई प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाश